नहीं मैच मैच ऑन नहीं लगा। एक तरह तो राजनीति को बिजनेस बना लिया है, उन्हें बदलने का मतलब है मेरा कोई चौधर करने का मतलब नहीं। साडा चुनाव निशान सानू मिल गया है, सिख संघर्ष पार्टी का कप प्लेट निशान है। जेडे अज सत्ता दे विच लोग जा रहे ने वो या तो अपने ढिड भरन वास्ते जा रहे ने या फिर अपनी चौधर वास्ते जा रहे ने, उस चीज़ नू सानू बदलन की लोड़ है। आ जिहड़ी टिकट है आ टिकटा भी असी लोगों विश्वास दवाने वास्ते जिहड़े साडे उम्मीदवार ने उन्हां नू हरिमंदर साहब दे विच जाके टिकटा वितरित करांगे, हरिमंदर साहब दे विच जाके टिकटा देंगे। रिशपाल जी जोड़ा माजरा ने जिहड़े साडे पंजाब दे प्रधान ने सिख संघर्ष पार्टी। चलो हर एक की सोच होंगी, अपनी सोच होंगी है, किसी भी रिजल्ट नू आपां किसी टाइम तो पहला नहीं लै सकते, रिजल्ट आने तो बाद ही पता लगता है। तुसी भी इत्थे हो, असीं भी इत्थे हां, 10 तरीक तो बाद आपां एनालिसिस कर लांगे। वोट की चोट नाल ते वोट की चोट वास्ते आ रहे, होर कदे वास्ते आ रहे यार, उस चीज ते आपां गए ही नहीं। ये राजनीतिक मुद्दे ने आपां चंडीगढ़ लैके रहांगे। संयुक्त संघर्ष पार्टी ते संयुक्त समाज मोर्चा इन्हां दोवां दा समझौता हो गया है। उस समझौते दे विच संयुक्त संघर्ष पार्टी दे हित से 10 सीटां आईयां ने, उन्हां 10 सीटां दा अज असी अपने जिहड़े कैंडीडेट ने उन्हां दसां चों अज 9 दे नां अनाउंस कर रहे ने, ते एक सीट दा नां बाद च अनाउंस किया जाएगा। इहदे विच समाणे तो सरदार रशपाल सिंह जी जोड़ा माजरा आ बैठे ने, फतेहगढ़ साहब तो सरबजीत जी मक्खण अखड़े ने, नाभा तो वरिंदर कुमार बिट्टू जी, गुरदासपुर तो जिहड़े साडे युवा प्रेसिडेंट ने इंद्रपाल जी ने, शाहकोट तो डॉक्टर जगतार सिंह चंदी जो अज पहुँच नहीं सके, अजनाला तो चरणजीत सिंह जी गालिब अखड़न जी पिछे, दिड़बा तो मालविंदर सिंह जी दिखड़े ने जी, ते दाखा तो हरप्रीत सिंह जी मक्खू, ये तुहाडी बरादरी तो है, पत्रकारां नूं तो मान सम्मान देना है ना। ते संगरूर तो जगदीप सिंह जी ने, जिहड़े मिंटू तूर जिन्हां नूं कहिंदे ने, आने ते ये कैंडीडेट 9 जिहड़े ने अज असी अनाउंस कर रहे हां, ते 10वीं सीट साडे कोल भलथ दी है, भलथ दी सीट वो अज डिकलेयर नहीं कर रहे हो, एक दो दिनों दे विच थोड़ा उहदा सर्वे जी चल रहा है भी किहड़ा कैंडीडेट उत्थों चंगा है, जिहड़ा वधिया कैंडीडेट होएगा उहनूं आपां उत्थों डिकलेयर करांगे। ते ये सीटां जिहड़ियां ने साडा चुनाव निशान सानू मिल गया है, सिख संघर्ष पार्टी का कप प्लेट निशान है, ते इस कप प्लेट आ निशान कप प्लेट का निशान सानू मिल गया है, ते आ कप प्लेट के निशान ते आपां चुनाव लड़ांगे। ते अगे वास्ते इस पार्टी नू पूरे देश दे विच खड़ी करांगे, पूरे देश दे विच जिहड़े हालात ने व्यवस्था है उहनू बदलण वास्ते, जिहड़ा अज पूंजीवाद दा राज हो गया है, पैसे तो सत्ता ते सत्ता तो पैसा, जिहड़े अज सत्ता दे विच लोग जा रहे ने वो या तो अपने ढिड भरन वास्ते जा रहे ने या फिर अपनी चौधर वास्ते जा रहे ने, उस चीज़ नू सानू बदलण दी लोड़ है। ते आ जिहड़ी टिकटां है आ टिकटां भी असी लोगों विश्वास दवाने वास्ते
जिहड़े साडे उम्मीदवार ने उन्हां नूं हरिमंदर साहब दे विच जाके टिकटां वितरित करांगे, हरिमंदर साहब दे विच जाके टिकटां देंगे, ताकि उस रब नूं मनदे होए आपां सही रस्ते ते चल सकीए, उत्थे जाके इन्हां नूं टिकटां देंगे ते पूरे देश दे विच चंगे वास्ते इस पार्टी का फैलाव किया जाएगा। सारा धन्यवाद तुसीं दोस्त। बहुत खुशी हुई है जी। रिछपाल जी, जोड़ा माजरा ने जिहड़े साडे पंजाब दे प्रधान ने संयुक्त संघर्ष पार्टी जी, एक तो माण महसूस हो रहा है कि असी जिहड़ा किसानां नूं इकट्ठे करन दे विच कामयाब होए आ, संयुक्त समाज मोर्चा ते संयुक्त संघर्ष पार्टी वल्लों इकट्ठे हो के इलैक्शनां लड़ियां जा रहियां ने। इह जिहड़ी लोकां दी भावना सी उहनूं लै के असी इह फैसला कीता है तां जो पंजाब दे विच जिहड़ा माहौल बणिया है उन्हों होर तकड़ा किया जा सके, तो लोगों की भावना होर प्रबल किया जा सके। तो अज असी ये सीटा अनाउंस करके माण हासिल कर रहे हैं कि लोगों की सोच के मुताबिक असी ये टिकटा दित्तियां ने। सो कोई होर सवाल होवे तां तुसी पुछ सकदे हो। लड़ाई पवाओ साडी यार, मंग तो असीं 50 दी रखी सी, पर लोकां दी जिहड़ी भावना है वो ये सी भी यार इकट्ठे हो के ही लड़ो। तो देखो होना तो की है कि वो मालक जाने रब जाने, पर साडे ते किसे तरह का दाग ना लग जाए, ये ना हो जाए भी यार इन्हां ने दो फाड़ करता। उस सारी चीज़ नूं देखते हुए सानू जो भी मिले असीं उस ते सबर किया, लोकां दी भावना वास्ते है जी। नहीं, मैं चोण नहीं लड़ रहे। देखो क्यों दा चीज़ तो यह है बई लोग ये ना समझन भी ये किते अपने ढिड वास्ते पंजाब च आके बड़े है, अपने आप नूं कोई कोई कमाण वास्ते या कुछ ये कोई लालच दे विच पंजाब च आके बड़े है। इस करके मैं पहले तो ये कह के चलिया वा कि आपां जिहड़ा है वो एक समाज जिहड़े राजनीति का जिहड़ा भ्रष्ट हो गई है, जिहड़ी एक तरह तो राजनीति नूं बिजनेस बना लिया है, उहनूं बदलण दा मतलब है मेरा, कोई चौधर करन दा मतलब नहीं। तुहाडे 10 उम्मीदवार जिहड़े तुसीं करवाए ने, इह लगदा वी पंजाब बदल देणगे, पंजाब दी गल चुक लैणगे, पंजाब दा कोई वी दो मुद्दे दस्सो जिहड़े तुहानूं लगदा वी अग्गे लै के जाणे चाहीदे। देखो पंजाब दे दो नहीं, पंजाब दे मुद्दे ते आपां दस देवांगे, पर जिन्ना को उस मालक ने कैपैसिटी दी है मैनू नहीं पता, हुण मैं इन्हां दे विच ते बढ़िया नहीं, पर जिन्नी को उस मालक ने कैपैसिटी दी है, जिन्नी को उस मालक ने बुद्धि दी है, उहदे अनुसार आपां सेवा कर सकते हैं। जिन्नी समर्था दी नहीं वो आपां वरत नहीं सकते, जिन्नी ताकत दी नहीं वो वरत नहीं सकते। अपने वल्लों असी ये चंगे लभे ने, अपने वल्लों वधिया लभे ने, अपने वल्लों असी इन्हां नूं ये कह के चले हाँ भी जे सत्ता दे विच हिस्सा आउंदा है फिर उस हिसाब नाल काम करना है, जे सत्ता दे विच हिस्सा नहीं आउंदा ते साडी गल सत्ता नहीं मनदी, आपां जो कुछ कह के चल रहे हैं वह सत्ता नहीं मनदी, ते फिर आपां ने सड़क की लड़ाई लड़नी। देखो पहली गल तो यह है जिते हरियाणे की गल है, मेरा पिंड पंजाब च भी है, मेरा पिंड हरियाणे च भी है, मेरी जमीन भी पंजाब च है, मेरा घर भी पंजाब च है, मरदापुर पिंड है कनौर हल्के च, साडा एक भरा इत्थे रहिंदा सी, तीन असी उत्थे रहिंदे, साडा बापू जी इत्थे रहिंदे सी। दूजी गल सीटा कढ़न वालियां ते ना कढ़न वालियां ये उस मालक नूं पता है, पर जे लोग इन्हां कानूनां तो इन्हां सरकारां तो इस तरह के राज तो जे दुखी ने, फिर असी उन्हां नूं एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं भी तुहानूं एक विकल्प दे रहे हैं। वो कह रहे जी पाइए किनू, आम आदमी नूं पाइए कि आपां कांग्रेस नूं पाइए कि आपां अकाली दल नूं पाइए, बीजेपी नूं पाइए, पाइए किनू, लोगों का सवाल यह हुंदा है। आपां एक विकल्प दे रहे हैं, देखो भराओ तुहाडे सामने ये विकल्प है, तुसीं अपना राज लिया सकते हो, किसानां दी वोट 80 लख वोट पंजाब दे विच केवल किसानां दी है, 59 लख वोट दे नाल सरकार बनी है, कल्ले किसान अपनी वोट अपनी सरकार लिया सकते हैं, उन्होंने नाल उन्होंने मजदूर इन्नी गिनती उन्हों की भी है जो उन्होंने भी उन्होंने भी निचोड़ लिया गया है, बई इन्हों की इन्नी ताकत बनती है भी ये दो बारी सरकार बना सकते हैं।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਪਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ABC ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਕੈਡਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਡਾ ਕੈਡਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਕੈਡਰ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੜਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ? ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ SKM ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ।
मेरे सवाल का जवाब चंगी तरह सुनिया नहीं, मैनू लगता ध्यान थोड़ा कितने होर चलिया गया होना। मैं यही गल मैं दोबारा थोनू गल कह देना, जिहड़ा बंदा ये भी एक धर्म युद्ध है, ये साड़ी सपोर्ट करनी चाहता है, वो कोई भी किसान है किसी ना संबंध रखता होनू असी किसी को यह नहीं कहेंगे साड़ी वो ना करो। बिल्कुल मैं थोड़ा कहता भी साड़ी कोई प्रपोजल नहीं विरोध पैदा करना चाहते हो साडा। मेरी गल सुनो, निरपेक्ष रहेगा, जाति निरपेक्ष रहेगा, इत्थे मानुस की जात सब है एक है पहचान वो वाली जी गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सी, उहदे हिसाब नाल जिहड़ा है आपां सारिआं नूं मानव दृष्टि नाल देखांगे। हुणे ही हल करवाओगे साडे तो? अजे तो जदों अजे पहला पहला मैनूं तुसीं इह गल दसो, मैनूं तुसीं इह गल दसो, परमात्मा ने समुद्र तों पाणी चक्किआ, आरओ तों ज़्यादा शुद्ध कीता, पहाड़ ते लिया के छड़िया, वो पानी वापस लखा एकड़ जमीन नू तबाह करता होया, हजारा बंदियां नू मारदा होया वापस समुद्र दे विच चला गया, असी बन्ने उहनू? साडा पानी पताल दे विच चला गया है, जहरीला बन गया है, दूजे पासे उही पानी साडी फसलां मारदा है, उसे पानी नाल साडी फसल मरी, शुद्ध पानी नाल, असी बन्ने उहनू? क्यों उस चीज़ ते बजट खर्च नहीं किया? पहली पंचवर्षीय योजना दे विच खेती दे 14% खर्च है सेंटर गवर्नमेंट का, हुण 1% का भी घट है, सानू मारिया कि ने? उस चीज़ नू बचाण दी लोड़ है। असी जे इन्नी इत्थे बारिश है, जे आपां उस पानी नू बन्न लईए, उस पानी नू सिंचाई वास्ते दईए, सानू एक घुट पानी भी थल्लों नहीं कढ़णा पैंदा। असी उस पासे ध्यान नहीं दिंदे, असी लड़न पासे ध्यान देंगे। असी बन्नीए तां सही, हरियाणा सरकार ने नहीं बनिया, उत्थे जाके हाल देख लियो, यूपी का हाल देख लियो, किन्ने लखा एकड़ जमीन उत्थे तबाह हुंदी है, की उत्थे हाल हुंदा है। हर सवाल उस चीज़ का नहीं, डिस्प्यूटेड सवाल क्यों करते हो? मैं ये कह रहा वहां कि आप जे उस पानी नू बनीए जिहड़ा रब ने दिता है, उस पानी नू जे बनीए, सानू किसी की ना झगड़ा करने की लोड़ ही नहीं है। साडे कोल ते हर हरियाणे च भी पानी फालतू उहनू मंगण दी लोड़ नहीं है, पंजाब च भी फालतू उहनू देण दी लोड़ नहीं है, साडे कोल पानी फालतू है। आपां उस चीज़ ते आपां गए ही नहीं, ये राजनीतिक मुद्दे ने, आपां चंडीगढ़ लै के रहांगे, आपां चंडीगढ़ छोड़दे नहीं। की चंडीगढ़ भज गई जी किते? इत्थे ही जिद्दां दी शुरू होई अज तक लड़ाई नहीं मुक्की, यही SYL दा मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दे नहीं है ये, राजनीति के झगड़े करवाए, जातां दे झगड़े, साडे राजनीति है की? आपां राजनीति दे अर्थ भुल गए, इत्थे धर्म दे नाते राजनीति, जाति दे नाते राजनीति, वर्ग दे नाते राजनीति, इलाके दे नाते राजनीति, ये राजनीतिक मुद्दे ने, महापाप है, राजनीतिक मुद्दे नहीं है, महापाप है। इत्थे जात नूं जात दे नाल लड़वा के मैं तुहानूं दिखावां, हरियाणे च जाटां नूं गाला कढ कढ के ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 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 ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਾਈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਲਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
बिल्कुल नैगेटिव राजनीति नहीं कहा दसता जी इन्होंने दस दिया करो यार अभी नैगेटिव राजनीति नहीं।